हेलो फ्रेंड्स, जेएमवी एजुकेशन ट्यूब में आपका स्वागत है। मैं आपकी होस्ट आकांक्षा नया वीडियो लेकर फिर हाजिर हूँ। इस वीडियो में हम सूक्ष्म शिक्षण की सूक्ष्म पाठ्य योजना बनाएंगे। इसमें हम वाणिज्य विषय की कक्षा 9 का दोहरा लेखा प्रणाली टॉपिक लेकर आए हैं। उम्मीद है आप सबके ये काम आए टॉपिक। आप लोगों की बहुत सारी डिमांड आ रही थी कि उनको कॉमर्स से रिलेटेड सूक्ष्म शिक्षण के वीडियो चाहिए, इसलिए मैंने बहुत सारी अभी सूक्ष्म पाठ्य योजना बना कर रखी है। वन बाई वन मैं उसके वीडियोस बनाकर आप लोगों के लिए अपलोड करूंगी। उम्मीद है आपके काम पड़े और आपको पसंद आए। तो चलिए शुरू करते हैं सूक्ष्म पाठ्य योजना बनाना। सबसे पहले आपको अपना नाम लिखना है, फिर विषय लिखना है। हमारा विषय वाणिज्य है। कक्षा 9 का प्रकरण है। प्रकरण है हमारा दोहरा लेखा प्रणाली। कौशल है पुनर्वलन और समय 5 से 7 मिनट का, और दिनांक जब भी आप इसको प्रेजेंट करें। फिर आपको यहाँ पे पहले 4 कॉलम बनाने होते हैं। पाठ्य वस्तु, अध्यापक क्रिया या छात्र अध्यापक या अध्यापिका क्रिया, विद्यार्थी क्रिया और घटक। पाठ्य वस्तु को या तो आप कॉलम में लिख सकते हैं या फिर आप 3 ही कॉलम बनाएं और इस पाठ्य वस्तु को ऊपर पैराग्राफ में लिखते हैं। जैसा भी आप चाहें आप ऐसा कर सकते हैं। हम पाठ्य वस्तु इसलिए लिखते हैं क्योंकि हम जो कौशल है पुनर्वलन, वो किस पैरा से पूछ रहे हैं कौशल और बच्चों को पुनर्वलन दे रहे हैं, ये हमको बताना होता है अपने अवलोकनकर्ता सहपाठी को और अपने पर्यवेक्षक को, जो अपना शिक्षक है शिक्षक पर्यवेक्षक को बताना होता है। इसलिए हम यहाँ पे लिखते हैं। पहला हम यहाँ पे लिख देंगे पूरी पाठ्य वस्तु हमारी कि बुक कीपिंग का अंग्रेजी प्रणाली को दोहरा लेखा प्रणाली कहते हैं। इसके जन्मदाता ल्यूकास पैसिलियोली हैं। इस प्रणाली में लेन देन संबंधी लेख किए जाते हैं। इनमें 2 पक्ष होते हैं, एक पक्ष पाने वाला, दूसरा पक्ष देने वाला होता है। पाने वाले को क्रेडिट तथा देने वाले को, पाने वाले को डेबिट तथा देने वाले को क्रेडिट कहा जाता है। डेबिट पक्ष बाईं तरफ और क्रेडिट पक्ष दाईं तरफ लिखा जाता है। ये हम उन्हें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हुआ है हमने बच्चों को, और अब हम उनसे क्वेश्चन कर उनको पुनर्वलन देंगे। यहाँ पे आपको प्रश्न पूछेंगे आप बुक कीपिंग की अंग्रेजी प्रणाली कौन सी है, तो दोहरा लेखन प्रणाली। हिसाब किताब रखने की सबसे अच्छी पद्धति कौन सी है, तो दोहरा प्रणाली। दोहरा प्रणाली के जन्मदाता कौन है, तो ल्यूकास पैसिओली। और यहाँ जो हमारे घटक यूज़ हो रहे हैं वो हमने साइड में घटक के क्रमांक लिख दिए। घटक मैंने आपको जब इसका वीडियो बनाया है तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं। आखिरी में भी पाठ्य योजना के लास्ट में भी मैंने घटक लिख दिए हुए हैं। मैं वहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर दूँगी कि पहला घटक कौन सा है, दूसरा घटक कौन सा है। तो यहाँ पर हमने जो भी घटक हमारा इस्तेमाल हो रहा है उसको पॉइंट नंबर वाइज लिख दिया है। फिर दोहरा लेखा प्रणाली के जन्मदाता कौन है, बच्चों ने आंसर दिया। यहाँ पे हमारे 2 घटक इस्तेमाल हुए। प्रत्येक लेन देन के कितने पक्ष होते हैं, 2 पक्ष होते हैं। यहाँ पर भी हमारे 2 घटक इस्तेमाल हुए, हमने यहाँ घटक डाल दिए हैं। हम इसलिए बार बार घटकों की पुनरावृत्ति होती है तो फिर हम इसकी आवृत्ति बनाते हैं। बाद में जब हमारी सूक्ष्म पाठ्य योजना समाप्त हो जाती है तो हमको अपनी जो घटक है उसकी घटक अवलोकन आवृत्ति बनानी होती है। तो इसलिए आप देख रहे होंगे कि घटक हमारे रिपीट हो रहे हैं। पाने वाले पक्ष को क्या कहते हैं, तो डेबिट पक्ष कहते हैं। तो यह हमारा पहला और दूसरा घटक इस्तेमाल हुआ। देने वाले पक्ष को क्या कहते हैं, तो क्रेडिट पक्ष कहते हैं। यहाँ भी हमारा दूसरा और पहला घटक इस्तेमाल हुआ है। खाते का दाहिनी पक्ष कौन सा कहलाता है, तो क्रेडिट पक्ष कहलाता है। पहला और तीसरा घटक हमारा इस्तेमाल हुआ। खाते का बायां पक्ष क्या कहलाता है, तो डेबिट पक्ष कहलाता है। यह हमारा चौथा और पहला पक्ष, पहला जो हमारा घटक है वो इस्तेमाल हुआ। फिर हम उनसे एक क्वेश्चन कर लेंगे कि राम ने श्याम को 500 रुपये दिए, तो इसमें कितने 2 पक्ष हैं, कौन कौन से हैं, तो वो बता देंगे। एक पक्ष राम है और दूसरा पक्ष श्याम है। तो यहाँ पे भी हमारा दूसरा और पहला घटक इस्तेमाल हुआ। अब हम देख लेते हैं घटक कौन कौन से हैं हमारे। जो हमारा पहला घटक है वो प्रशासनात्मक प्रशंसात्मक शब्दों का प्रयोग, यानी हम उनसे अच्छी अच्छी बातें बोल रहे हैं, जैसे अच्छा, गुड, वेरी गुड। फिर विद्यार्थियों के उत्तर प्रत्युत्तर की पुनरावृत्ति, यानी हमने उनके उत्तर को दोहरा दिया। सकारात्मक शब्दों का पुनर्वलन, विद्यार्थियों के प्रत्युत्तर को श्यामपट पर लिखना, यानी उन्हें जो आंसर दिया हमने उसको ब्लैकबोर्ड पर लिख दिया। निरुत्साहात्मक शब्दों का प्रयोग, पुनर्वलन का नकारात्मक अशब्द शाब्दिक प्रयोग, यानी हमको कम से कम करना है। फिर पुनर्वलन का अनुचित प्रयोग। तो ये हो गए हमारे 7 घटक, यानी जो भी हमारे घटक जिस भी क्वेश्चन में इस्तेमाल हुए हमने उसके साइड में लिख दिया है। अब आपको इसकी एक तालिका बनाना होता है। यहाँ मैंने नहीं बनाई है लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि आपने एक तरफ ये सारे घटक लिख लेंगे
और फिर एक तरफ आप आवृत्ति बनाएंगे, जितनी भी बार जो घटक इस्तेमाल हुआ है उसको वहाँ पे आप चाहें तो जैसे 1 2 3 4 5 5 से ज़्यादा तो बार हो ही नहीं सकता कोई घटक इस्तेमाल, तो आप नंबरिंग देते हैं। और जिस भी जैसे एक घटक आपका 4 बार इस्तेमाल हुआ तो आप 4 को गोला करते, एक इस तरीके से आप बना सकते हैं। या फिर आप जो संचय आवृत्ति बनाने का तरीका होता है कि आपने एक बार इस्तेमाल हुआ तो एक डंडी खींच दी, दूसरी बार तो 2, तीसरी बार तो 3, चौथी बार तो 4 और 5वीं बार हुई तो उसको क्रॉस कर देते हैं। तो इस तरीके से भी आप दोनों तरीके से पुनरावलन कौशल के घटक की आवृत्ति तालिका बना सकते हैं। यदि आप वो देखना चाहते हैं तो आप हमारे जो पुनरावलन कौशल है उसका जो वीडियो है वहाँ पे हमने बताया है, और भी शुरू के जो हमने बहुत सारे इसके बनाए हैं दूसरे सब्जेक्ट के पाठ योजना, उसमें भी हमने आपको इसकी तालिका बना के बताई हुई है, तो आप उसमें भी देख सकते हैं। वैसे मैंने आपको यहाँ जितना हो सका एक्सप्लेन कर दिया है। तो यहाँ पे हमारा वीडियो समाप्त होता है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छा लगता है लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।